बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे वो कंप्लीट टॉपिक होगा इंशाल्लाह फाउंडेशन का, और अगर कुछ चीज़ें रह भी जाएगी तो फिर इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को, मतलब हम सबको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन से पहले कि हमारा टाइप क्या है, ठीक है। जब तक हमें अपनी स्किन टाइप का नहीं पता होगा तब तक हम करेक्ट फाउंडेशन नहीं चूज कर सकते। अच्छा, साथ साथ अगर मैं अपने लिए मेकअप कर रही हूँ, मतलब खुद घर में अपना कर रही हूँ, तो मुझे अपनी स्किन टाइप पता हो, और सेकेंडली अगर मैं एक ब्यूटिशियन हूँ तो डेफिनेटली मुझे इतनी मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए कि मैं अपने क्लाइंट की स्किन को जज कर सकूँ कि उसकी स्किन टाइप क्या है, आया कि वो ड्राई, आया वो ऑयली है, कॉम्बिनेशन है कैसी है। तो अगर आप लोगों ने मेरी स्किन टाइप वाली क्लास नहीं देखी है, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, जाके देख लीजिए, या फिर मैं फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग जाके स्किन टाइप को देख सकते हो कि हम किस तरह से जज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब बारी आती है कि हमने स्किन टाइप तो सीख लिया, अब इसके बाद हम फाउंडेशन का सिलेक्शन कैसे करें या फाउंडेशन कितनी तरह के मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक बहुत बेसिक फाउंडेशन आजकल जो बहुत इन हो चुका है, मतलब मार्केट में जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, वो है लिक्विड फाउंडेशन, ठीक है। अच्छा, अब लिक्विड फाउंडेशन क्या है? लिक्विड फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल लिक्विड ही होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। अच्छा जी, तो ये जितनी तरह की फाउंडेशंस आपको नजर आ रही है, और इसके अलावा मेरे पास और भी ह्यूज क्वांटिटी में फाउंडेशंस अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह के क्लाइंट्स आते हैं जिनकी स्किन पे अलग अलग तरह के फाउंडेशंस यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फाउंडेशन की कलर मिक्सिंग या कलर हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे, ये तो मैं बिल्कुल भी आज की क्लास में नहीं बताऊंगी। आज की क्लास में सिर्फ आप लोग को बताऊंगी फाउंडेशन का टेक्स्चर, और हम किस तरह से जान सकते हैं कि कौन सा टेक्स्चर जो है ना किस स्किन के लिए। फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो ऑल टाइप ऑफ स्किन को सूट करता है, हर टाइप की स्किन को सूट करता है, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन में हमें दो तरह के वेरिएंट मिल जाते हैं, ऑयल भी, ऑयल में भी और वाटर में भी, ठीक है। तो जो हमारा ऑयली स्किन वाला इंसान है ना, मतलब जिसकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल टू ऑयली है, वो वाटर बेस्ड फाउंडेशन यूज कर सकता है, ठीक है। और जो हमारा ड्राई स्किन वाला बंदा है, ठीक है, या नॉर्मल टू ड्राई वाला बंदा है या कॉम्बिनेशन वाला बंदा है, अब ये हम अपनी स्किन को जज करेंगे या अपने क्लाइंट की स्किन को जज करेंगे कि उसका ज्यादा पार्ट कौन सा है, ड्राई वाला या ऑयली वाला, और उसके अकॉर्डिंग टू फिर हम फाउंडेशन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये बातें तो आ जाएगी बाद में सीखने की, तो अभी मैं आपको बता रही हूं कि लिक्विड फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन के भी दो वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है, एक ऑयल बेस्ड और एक वाटर बेस्ड। तो जो वाटर बेस्ड फाउंडेशन है वो हम ऑयली स्किन पर, एक्ने वाली स्किन पर, कॉम्बिनेशन स्किन पर, नॉर्मल टू ऑयली स्किन पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन है वो हम लोग ड्राई स्किन पे यूज कर सकते हैं। इन फाउंडेशन की लास्टिंग कितनी है, कवरेज कैसी है किस फाउंडेशन की, ये अब हम अभी आगे देखेंगे, और फिर इसके बाद और भी जितने भी फाउंडेशन के टाइप्स है ना उसको भी सीखेंगे। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि लिक्विड फाउंडेशन जितने भी है ना, एक तो वो इस तरह की कांच की, प्लास्टिक की, या फिर जो है ना इस तरह की ट्यूब फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जो भी इस तरह की ट्यूब फॉर्म में या इस तरह की बॉटल्स में, इस तरह की प्लास्टिक बॉटल्स में, कांच की, ग्लास बॉटल्स में अवेलेबल होते हैं, ये सारे लिक्विड फाउंडेशन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग मजीद फाउंडेशन की इसकी कवरेज और ये सब देखते हैं, और भी किस तरह के टाइप्स, किस किस टाइप के फाउंडेशन अवेलेबल है वो भी देखते हैं। अच्छा जी, तो अब आप ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंडेशन, यहाँ लिखा है स्किन टाइप, यहाँ लिखा है ड्यूरेशन, और यहाँ लिखा है कवरेज, मतलब फाउंडेशन का टाइप क्या है और वो कौन सी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, ठीक है। और सेकेंडली उसकी लास्टिंग कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, वो कितनी देर तक हमारी स्किन के ऊपर लास्ट करता है, रहता है, ठीक। और इसके बाद कवरेज, वो कवरेज कैसी देता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आप लोग को चीजें शो की थी ना, वो सारी लिक्विड फाउंडेशन की थी, और इस लिक्विड फाउंडेशन की भी मैंने आपको बताया कि दो वेरिएंट है, ठीक है, वाटर बेस और क्रीम बेस, या फिर ऑयल बेस, क्रीम बेस या ऑयल बेस, ठीक। जो वाटर बेस फाउंडेशन है वो हम ऑयली स्किन पे यूज करते हैं, और जो क्रीम बेस फाउंडेशन ड्राई स्किन पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो लिक्विड फाउंडेशन है ना, उसका स्किन टाइप तो ऑलमोस्ट ऑल हो गया, क्योंकि इसके हमारे पास ऑलरेडी दो वेरिएंट मौजूद है, तो वो जो दो वेरिएंट है वो सारी स्किन पे सूट कर जाते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो ऑयली हो, चाहे वो एक्नी हो, चाहे वो ड्राई हो। अब ये हम अपनी ऑब्जर्वेशन से देखेंगे कौन सी स्किन कैसी है, किस पे वाटर बेस्ड लिक्विड फाउंडेशन जाता है और किस पे क्रीम बेस्ड लिक्विड फाउंडेशन जाता है, ठीक है। अच्छा,
इसको पहचानने का क्या तरीका है, अगर आज की वीडियो में कवर कर लिया तो ओके, कि वाटर बेस्ड किस तरह से पहचाने जाते हैं और ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड किस तरह पहचाने जाते हैं, आज की वीडियो में कवर हो सका तो ओके है, नहीं हुआ तो फिर आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। अच्छा, अब लिक्विड फाउंडेशन की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, तो लिक्विड फाउंडेशन की जो ड्यूरेशन है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लाइक एटलीस्ट जो आप लोकल से लोकल भी 400, 500 या 600 वाला लिक्विड फाउंडेशन भी लेते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारे पास, मैं आप नहीं करूंगी, मैं हम करूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी तरह के, मेरे पास 400 से 500 से लेके 10-12 हज़ार तक का फाउंडेशन है, तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग जो भी फाउंडेशन लेते हैं ना, इसमें सबसे लो बजट वाला जो फाउंडेशन है 400 या 500 का लिक्विड फाउंडेशन है, उसकी लास्टिंग भी एटलीस्ट जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना लोकली मिस रोज का फाउंडेशन, उसकी लास्टिंग भी तकरीबन 5 से 6 घंटे रह जाती है, ठीक है, तो इस ये बहुत अच्छी लास्टिंग कहलाती है, ठीक है। अगर हमें किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा भी हम 4 घंटे 3 घंटे इतना ही वहां रहते हैं, लेकिन इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे बजट बढ़ता है, इतनी अच्छी लास्टिंग और इतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता जाता है, ठीक है। अच्छा, रही बात कवरेज की, तो लिक्विड फाउंडेशन की कवरेज कैसी है, तो लिक्विड फाउंडेशन की कवरेज हाई कवरेज होती है, ठीक है। आप देखो ऑलमोस्ट ज्यादातर वैसे ऑयल बेस्ड जो या क्रीम बेस्ड होते हैं ना, उनकी तो 100% हाई कवरेज होती है, लेकिन जो वाटर बेस्ड होते हैं वैसे तो उनकी भी हाई कवरेज ही होती है, लेकिन कुछ में कुछ एक आध फाउंडेशन ऐसा होता है जिसको हमें बिल्डेबल करना होता है, बिल्ड करना होता है, लेकिन होती उनकी भी हाई कवरेज ही, ठीक है। तो अब हमारा लिक्विड फाउंडेशन हो गया खत्म टॉपिक, अब हमारी बारी आती है सेकेंड वाले फाउंडेशन की, कि मार्केट में सेकेंड वाला जो फाउंडेशन अवेलेबल है वो कौन सा अवेलेबल है। अच्छा जी, तो अब हमारा जो सेकंड टॉपिक हम लोग फाउंडेशन में कवर कर रहे हैं, मतलब सेकंड हेडिंग को, तो वो हमारा था क्रीम बेस। अच्छा, क्रीम बेस फाउंडेशन जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो ज्यादातर इस तरह से स्टिक में अवेलेबल होते हैं, या इस तरह से जैसे आप लोगों ने वो देखे होंगे ना, हांडी बेस, शेफर की बेस, इस तरह से ये वाला जो है ये क्रिस्टीन का डर्मा एक्स है, तो जो इस फॉर्म में होते हैं ये देखो, ये क्रीम बेस होते हैं फाउंडेशन, ठीक है, ये वाले फॉर्म्स में जो जमे हुए होते हैं, ठीक, इसको हम कहते हैं क्रीम बेस। ये देखिए, ये जो होते हैं ये क्रीम बेस फाउंडेशन होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये जो क्राइलॉन का है ये भी क्रीम बेस फाउंडेशन है, ठीक, या ऑयल बेस, इसको हम क्रीम बेस या ऑयल बेस दोनों कह सकते हो। ये देखो, ये मेरे पास इसके कट्स है, मतलब मैंने क्वार्टर क्वार्टर बाय किए हुए थे, तो ये मेरे पास इतने इतने पड़े हुए, ठीक है। तो ये जितने भी इस फॉर्म के फाउंडेशन होते हैं ना, चाहे वो इस तरह के फॉर्म में हो चाहे वो इस तरह में हो, ये सारे क्रीम फाउंडेशन कहलाते हैं। अच्छा, आप बात कर लेते हैं इसकी लास्टिंग की और इसकी ड्यूरेशन की और इस ये कितनी टाइप की या कौन सी टाइप की स्किन के ऊपर ज्यादा सूटेबल है, ठीक है जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्रीम फाउंडेशन जो है वो इसका किस स्किन टाइप पे चलता है। ज्यादातर जो क्रीम फाउंडेशन या स्टिक फाउंडेशन, वैसे तो आप लोग, हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि क्राइलॉन का बेस, क्रिस्टीन का जो स्टिक वाला बेस है, लोगों को लगता है कि वो हर तरह की स्किन पे सूट करता है, लेकिन गर्मियों में आप देखो जब ऑयली स्किन वाले इसको लगा रहे होते हैं ना, तो कितना पैची पैची हो जाता है और वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा होता है। तो या तो उसका लगाने का तरीका हमें थोड़ा सा बदलना चाहिए ताकि वो हमारी ऑयली स्किन को भी सूट कर जाए और उसकी लास्टिंग भी अच्छी हो जाए, ठीक है, और वो पैची पैची लुक भी ना दे। वैसे तो क्रीम फाउंडेशन ऑयल बेस्ड होते हैं, इसीलिए वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे, एक तो नॉर्मल स्किन जो होती है ना, जिनको ना, जिनकी ना ऑयली होती है ना ड्राई होती है, मतलब नॉर्मल स्किन होती है, तो उनके ऊपर सूट करता है, और एक ड्राई स्किन पे ये परफेक्ट फाउंडेशंस होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी ड्राई स्किन का क्लाइंट आता है ना, तो हम लोग आंखें बंद करके क्राइलॉन का या क्रिस्टीन का जो स्टिक है ना, उसका नंबर चूज करके उसको लगा सकते हो और 100% रिजल्ट ले सकते। जो लास्टिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब जब तक आप इसको रगड़ रगड़ के नहीं धोगे ये नहीं हटता है फेस से, अगर आपने अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप लगाया है तो फाउंडेशन, ठीक है। इसके बाद इसकी कवरेज, तो इसकी कवरेज 100% हाई कवरेज है, चाहे आप क्रिस्टीन का एक नॉर्मल वाला स्टिक भी ले लो तो भी वो आपको हाई कवरेज ही देता है, ठीक है। इवन डर्मा एक्स जो है क्रिस्टीन वालों का, ये भी बेस्ट फाउंडेशन है, बहुत बजट फ्रेंडली है। क्राइलॉन के फाउंडेशंस तो ऑलरेडी अच्छे ही, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, बहुत अच्छी तरह से वाइसली करना चाहिए। अच्छा, अब हमारा इसके बाद वाला जो फाउंडेशन है वो हमारा है मूस फाउंडेशन है, जो कि इतना हमारे पास फेमस नहीं है, क्योंकि एक तो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए होता है, ड्राई स्किन वाले इसको बिल्कुल यूज मत करें क्योंकि ज्यादातर वाटर बेस्ड होता है, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, ये 1-2 घंटे ही लास्ट करता है, ज्यादा लास्टिंग नहीं है, और इसकी कवरेज भी बिल्कुल लो है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास आई थिंक एक आध रिमल में आई थिंक है, मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये रिमल का मूस फाउंडेशन है, ठीक है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, किस तरह का टेक्सचर होता है,
ये देखिए इसके अंदर अभी से ही ऊपर से ये पानी और ऑयल अलग अलग हो गया है। ये देखिए ये इस तरह का होता है और इसकी कवरेज जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती। ये देखिए ये इस तरह की कवरेज होती है, ठीक है, बिल्कुल लाइट कवरेज फाउंडेशन है ये बिल्कुल भी स्किन पे ऐसा नहीं लगता है कि है ना बहुत इसने हाई कवरेज दे दिया। आप देखो आपको मेरी स्किन का भी अंदर से टोन नजर आ रहा है, तो ये बिल्कुल बीबी क्रीम टाइप जैसा रिजल्ट होता है ना, और इसकी लास्टिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती। लाइक अगर आपको एवरीडे यूज में करना है तो आप लोग इसको एवरीडे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो होता है ना ये मूस फाउंडेशन होता है वो इस टाइप की बॉटल्स में और इसी तरह के टेक्सचर्स में अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बारी आती है पाउडर फाउंडेशन की। अच्छा पाउडर फाउंडेशन एक तो होता है लूज पाउडर फॉर्म में, जैसे हम लोग मिनरल वगैरह कहते हैं ना, मिनरल बेस वगैरह कहते हैं, एक वो होता है और एक होता है इस तरह से पैनकेक में, ठीक है, यानी मतलब कॉम्पैक्ट की तरह होता है, ये देखो जमा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जितने भी होते हैं ना ये होते हैं पाउडर फाउंडेशन। अच्छा पाउडर फाउंडेशन को ना हम डायरेक्टली कभी भी स्किन पर नहीं लगा सकते, ठीक है। एक तो ये वाटर बेस्ड होता है मतलब पानी में मिक्स होकर लगता है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर आप इसको है ना सिर्फ सिंगल लगाओगे ना तो इसकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं आती है या फिर ये फट जाता है। तो इसको ये है ना हमेशा हम लोग स्टिक के साथ, जैसे जो ये स्टिक वाला फाउंडेशन है ना इसके साथ अगर हम इसको लगाते हैं तो फिर इसकी जो है ना वो लास्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी हो जाती है। और ये होता है कि ये जो है ना लॉक बहुत अच्छी तरह से कर देता है हमारे स्टिक फाउंडेशन की बेस को, मजीद अच्छी तरह से लॉक कर देता है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ इसको लगाते हो ना पानी में मिक्स करके, क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट होता है, वाटर बेस्ड होता है, तो इसकी जो कवरेज भी बहुत लो होती है और ड्यूरेशन भी इसकी बहुत लेस होती है, ठीक है, अगर आप इसको अकेले यूज करते हो। लेकिन अगर आप इसको क्रीम बेस के साथ यूज करते हो तो फिर इसका रिजल्ट जो है ना वो डबल ट्रिपल होता है। अब वो इसको किस तरह से हम यूज करेंगे पाउडर बेस को, वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताऊंगी। मेरे पास क्राइलॉन के भी पाउडर बेस है जो इस तरह के पैनकेक्स होते हैं, बट मुझे वो मिल नहीं रहा है, वरना मैं आपको शो कर देती। इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसमें फिर मैं आप लोग को दिखाती रहूंगी, सही है। चलो आप लोग को आज की वीडियो में ये पता चल गया होगा कि फाउंडेशन कितनी तरह के होते हैं और किन किन स्किन्स पे यूज करते हैं और किस फाउंडेशन का कितना ड्यूरेशन होता है और कवरेज कैसी होती है, ओके। अब आप लोग का जो सवाल है ना वो आज का ये सवाल है कि आप लोग मुझे सिर्फ ये बता दो कि जो है ना अपना क्रीम बेस है उसकी उसकी मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन बता दो, उसकी कवरेज कितनी है, उसका वो कौन सी स्किन पे यूज होता है, और दूसरा ये कि उस वो उसकी लास्टिंग कितनी है, ठीक है, ड्यूरेशन कितनी है। तो ये आंसर आप लोग अपने पास जो नोटबुक में लिख रहे हो ना आंसर्स, आज की डेट के साथ इसका आंसर लिख दो और अपने पास संभाल के रख लो, ठीक है। जब मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग आंसर शीट मुझे भेज दो, व्हाट्सअप कर दो, तो आप लोग मुझे वो व्हाट्सअप कर दोगे। चलिए जी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।